तो मूवी के शुरू में हम एक रैबिट स्कूल को देखते हैं, जो जंगल की एक सीक्रेट लोकेशन पर बना था और जहाँ ईस्टर रैबिट बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ की प्रिंसिपल है मैडम हरमाइनी, जो फिलहाल बच्चों को एक स्टोरी सुना रही है कि कैसे एक बार विंटर के मौसम में भयानक स्नोफॉल हुआ था और इससे एनिमल्स के लिए खाना ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया। तब जिंदा रहने में इंसानों ने उनकी मदद की और एनिमल्स ने सोचा कि हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। चिकन्स ने अपने एग्स देने का डिसाइड किया, जिन्हें बाकी एनिमल्स ने अलग अलग कलर से पेंट किया था, और इन्हें डिलीवर करने की जिम्मेदारी मिली रैबिट्स को, जो उन एग्स को बच्चों तक पहुंचाते थे, और इस तरह जन्म हुआ ईस्टर फेस्टिवल का। फॉक्सिस को लगा कि इससे तो रैबिट सबके फेवरेट बन जाएंगे और हमें भी ईस्टर एग डिलीवर करने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन वो ये काम दिल लगाकर नहीं कर पाए और ईस्टर फेस्टिवल खतरे में पड़ने लगा। तब बाकी एनिमल्स ने डिसाइड किया कि अब से ये काम सिर्फ रैबिट ही करेंगे और सिंबल के तौर पर उन्हें एक गोल्डन एग दिया जाए, जो उन्हें इस काम को करने की शक्ति देता था। रैबिट्स ने उन एग को एक सीक्रेट जगह छुपा दिया ताकि वो उन फॉक्सिस के हाथ ना लग पाए। आगे हरमाइनी बताती है कि जल्दी ही तुम्हारा एग्जाम होने वाला है और पास होने वाले को ईस्टर बनी घोषित किया जाएगा। इसके बाद वो उस गोल्डन एग को देखते हैं, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि फॉक्सिस ने उन पर नजर रखी हुई थी और उन्हें उस गोल्डन एग की लोकेशन का पता चल जाता है। अगला सीन पास ही बनी एक सिटी का है, जहां हम मैक्स नाम के एक और रैबिट को देखते हैं, जो बचपन से ही सिटी में पला बड़ा है और नेचर वाइज भी बहुत सेल्फिश है। फिर वो अपने फ्रेंड से मिलता है और रोज की तरह वो लोग शरारते करने लगते हैं। एक अजीब सा रैबिट जो ये सब नोटिस कर रहा था, मैक्स के पास आता है और एक बैज उसे देकर कहता है कि अगले संडे हमारे गैंग का ऑडिशन होने वाला है और अगर तुम चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकते हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और पता चलता है कि वो सिटी के सबसे बड़े गैंग शॉकवेव का लीडर था। मैक्स उनका नाम सुन चुका था और उन्हें ज्वाइन करने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है। फिर वो एक छोटी रैबिट से मिलते हैं, जिसके पास उस मैजिकल स्कूल की बुक थी, लेकिन वो उसे एक फेरी टेल बताकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी एक टॉय प्लेन उड़ता हुआ मैक्स की तरफ आता है, जिसके कंट्रोल अचानक से खराब हो गए थे, और वो मैक्स को उड़ाकर सिटी से बाहर जंगल की ओर ले जाता है। वहाँ एक जगह उन फॉक्सिस का कैबिन बना हुआ था, जहाँ मोमी फॉक्स टीवी देख रही थी, और तभी उसकी नजर मैक्स पर पड़ती है। वो अपने बेटों से उसे पकड़ने को बोलती है, लेकिन मैक्स बचता हुआ किसी तरह उस रैबिट स्कूल में आ पहुंचता है, जिसके चारों तरफ बड़ी बड़ी फेंसेस लगी हुई थी। वहाँ रैबिट्स अपनी क्लास ले रहे थे और वो लोग भी मैक्स को देख लेते हैं, जो जल्दी ही ग्राउंड पर क्रैश हो जाता है। आँख खुलने पर वो देखता है कि सामने एक रैबिट खड़ी हुई है, जो अपना नाम एमी बताती है और पूछती है कि तुम इस अजीब सी मशीन के साथ यहाँ क्या कर रहे हो। मैक्स भी उन सबको देखकर बहुत हैरान था कि आखिर इन सब ने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, और ऐसा लगता है जैसे मैं किसी पुराने टाइम में आ गया हूँ। तब मास्टर एल्फी बताता है कि ये रैबिट स्कूल है, और ये सुनकर मैक्स चौंक जाता है, क्योंकि वो तो इसे एक फेरी टेल समझता था। उसे लगता है कि शायद ये सब मजाक कर रहे हैं और वो उन्हें इग्नोर करके वापस जाने की सोचता है, लेकिन उसके प्लेन की हालत बहुत ही खराब थी और एमी कहती है कि ये तो तुम्हें सिटी तक नहीं ले जा सकता। फिर वो स्कूल के मेन गेट पर आता है, पर बहुत कोशिश करने पर भी उसे नहीं खोल पाता। एमी बताती है कि बिना परमिशन के तुम इसे नहीं खोल सकते, क्योंकि फॉक्सिस से बचने के लिए इसे लॉक किया गया है। मैक्स इस बारे में एल्फी से बात करता है कि मेरा सिटी में जाना बहुत जरूरी है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते और कहते हैं कि जंगल में फॉक्सिस तुम्हें मार डालेंगे और इसीलिए मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दे सकता। मैक्स उनकी चाबी चुराने की सोचता है, लेकिन मैडम हरमाइनी उसे ऐसा नहीं करने देती और एमी से उसे अंदर ले जाने को बोलती है। एमी बताती है कि ये हमारी मास्टर ट्रेनर है और इनकी नजरों से कोई नहीं बच सकता। मैक्स वापस जाकर उस गैंग को ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन फिलहाल उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उधर वो फॉक्स अपनी मॉम को उस गोल्डन एग के बारे में बताते हैं कि रैबिट्स ने उसे स्कूल में ही छुपा रखा है, और मॉमी फॉक्स किसी भी तरह उसे हासिल करने को कहती है ताकि रैबिट्स की जगह वो ईस्टर एनिमल बन सके। सुबह हरमाइनी अपनी मैजिकल कैरेट्स को देखती है, जिसकी शेप किसी फॉक्स के सिर के जैसी थी, और समझ जाती है कि जल्द ही उन पर कोई मुसीबत आने वाली है। वो इस बारे में एल्फी को बताती है और साथ ही एडवाइस करती है कि स्टूडेंट्स को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। इधर एमी मैक्स को जगाने आती है और कहती है कि ये वक्त सोने के बजाय एक्सरसाइज करने का है। वो लोग बाहर जाने लगते हैं, जहां मैक्स देखता है कि घड़ी में मेन गेट की एक स्पेयर की लगी हुई है, और एमी बताती है कि ये हमारी इमरजेंसी यूज के लिए है। आगे वो मैक्स को अपना डेली रूटीन दिखाती है कि कैसे वो सब ईस्टर रैबिट बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन मैक्स को इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था और वो उनके पुराने तरीकों का मजाक उड़ाने लगता है।
क्लास में भी उसका कोई ध्यान नहीं था और अपनी मस्ती के चक्कर में वो एंटोन नाम के रैबिट की प्रेजेंटेशन खराब कर देता है, जिससे उन दोनों के बीच दुश्मनी हो जाती है। इसके बाद वो प्रैक्टिकल क्लास में आते हैं, जहाँ एंटोन कुछ हर्डल्स को पार करके दिखाता है और मैक्स भी इससे इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह पाता। आखिर में एंटोन अपनी इनविजिबल पावर दिखाता है, जिसमें वो कुछ पल के लिए खुद को गायब कर सकता था, और एमी बताती है कि इससे हमें ईस्टर एग छुपाने में हेल्प मिलती है और बिना इसके कोई भी ईस्टर रैबिट नहीं बन सकता। मैक्स को ये पावर बहुत यूजफुल लगती है, लेकिन फिलहाल तो उसका मिशन यहाँ से बाहर निकलने का था और इसीलिए वो घड़ी में रखी उस पेयर की को चुरा लेता है। यही हरमाइनी ने उन फॉक्सेस पर नजर रखी हुई थी और तभी वो देखती है कि मैक्स भागकर जंगल की ओर जा रहा है। मैक्स बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल वो फॉक्सेस के लगाए एक ट्रैप में फंस गया था। फॉक्स उसे पकड़ने ही वाले थे कि तभी उसकी हेल्प करने हरमाइनी वहाँ आती है और वो किसी तरह बचते हुए वापस स्कूल में आ जाते हैं। सभी लोग इस बात से बहुत नाराज थे और मैक्स भी हरमाइनी से माफी मांगता है कि उसे इस तरह बाकी सबकी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए थी। आगे वो एक ईस्टर रैबिट का पोस्टर देखता है और सोचता है कि अगर ये पावर्स उसे मिल जाएं तो स्कूल से निकलना आसान हो जाएगा। वो ये बात एमी से डिस्कस करता है, जो कहती है कि पहले तुम्हें अपनी इनर सेल्फिशनेस को भूलना होगा, वरना तुम इस टेस्ट में पास नहीं हो पाओगे। तभी उन्हें फैंस के बाहर कुछ आवाज सुनाई देती है और पता चलता है फॉक्स एक चेनसो से उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सभी लोग बहुत डर गए थे, लेकिन जल्द ही चेनसो खराब हो जाती है और एल्फी कहता है कि मेरी इस फैंस को कोई नहीं तोड़ सकता। एंटोन इसके लिए मैक्स को ब्लेम करता है, जिस पर हरमाइनी कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और ये सब तो मैजिकल कैरेट्स ने पहले ही बता दिया था कि फॉक्स इस बार ईस्टर फेस्टिवल को खराब करने वाली हैं। तब मैक्स उन्हें अपने एटीट्यूड को बदलने को बोलता है और कहता है कि इस तरह खाली हाथ बैठने से कोई फायदा नहीं है। उसी रात एमी उसके पास आती है और कहती है कि मैं उन फॉक्सेस के प्लान का पता लगाने जा रही हूँ और मैक्स भी उसके साथ जाने का डिसाइड करता है। वहीं हरमाइनी उस मैजिकल कैरेट को चेक कर रही थी और देखती है कि उसका इशारा तो मैक्स की तरफ है। उधर मैक्स और एमी उस केबिन तक आते हैं और उन्हें पता चलता है कि फॉक्स उस गोल्डन एग को चुराने का प्लान कर रहे हैं। वो तुरंत आकर ये बात एल्फी को बताते हैं, जो उनके इस तरह बाहर जाने से बहुत नाराज था, लेकिन हरमाइनी उसे शांत करती है और कहती है कि मुझे कल मैक्स से एक जरूरी काम है। सुबह वो उसे बताती है कि मैंने तुम्हें ईस्टर रैबिट बनने के लिए सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन पहले तुम्हें वहाँ पड़े पत्थरों से एक एग बनाकर दिखाना होगा। मैक्स ऐसा करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसे नाकामी ही मिलती है और उसे लगने लगा था कि शायद वो इस टेस्ट को पास नहीं कर पाएगा। तो बैमी उसे लेकर उस गोल्डन एग के पास आती है और बताती है कि मुश्किल वक्त में ये हमें बहुत ताकत देता है और तुम्हें भी इसकी पावर को फील करना चाहिए। फिर जैसे ही मैक्स उस एग को छूता है, उसे अपने अंदर एक एनर्जी फील होती है और वो फाइनली उस रॉक एग को बनाने में कामयाब हो जाता है। आगे हरमाइनी उसे हर्डल मशीन के पास लाती है, जिसे वो अपने स्टाइल में पार कर लेता है। अब बारी थी उसकी इनविजिबल होने की, जिसे वो बहुत ट्राई करने पर भी नहीं कर पाता, और तब हरमाइनी उसे समझाती है कि पहले तुम्हें खुद को सेल्फलेस बनाना होगा और तब तुम ये आराम से कर पाओगे। रात को उसे और एमी को फैंस की निगरानी का काम दिया जाता है और मैक्स कहता है कि हमें इसके लिए एक अलार्म सिस्टम बनाना चाहिए। फिर वो टॉय प्लेन की मदद से उन्हें एक डेमो देता है और ये देखकर सब लोग बहुत इम्प्रेस होते हैं। सुबह होते ही वो सब काम पर लग जाते हैं, लेकिन एंटोन इन सब से बिल्कुल खुश नहीं था। वो धोखे से मैक्स को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन पता चलता है कि आखिर में उसकी जान मैक्स की वजह से ही बची है और ये देखकर उसका मन बदल जाता है। मैक्स भी अब इस लाइफ को एंजॉय करने लगा था और साथ ही दूसरे स्टूडेंट भी उससे बहुत कुछ सीखते हैं। एमी उसे बताती है कि वो भी बचपन से एक ईस्टर रैबिट बनना चाहती थी, लेकिन हाइट कम होने की वजह से ऐसा नहीं कर सकती। तभी अचानक उन्हें अलार्म सुनाई देता है और वो देखते हैं कि फॉक्स एक कैटापुल्ट मशीन से अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी उनमें से एक कामयाब हो जाता है और मैक्स कहता है कि मेरे पास इन्हें रोकने का एक अच्छा तरीका है। वो अंदर से कुछ मैट्रेस लाने को बोलता है और उसे डिफ्लेक्ट होकर फॉक्स वापस बाहर जा गिरते हैं। अंदर आ चुके फॉक्स के साथ भी ऐसा ही होता है, जो डिफ्लेक्ट होकर सीधा उस मशीन पर जा गिरा था और इससे वो नष्ट हो जाती है। सुबह वो फॉक्सेस को कहीं जाते हुए देखते हैं और हरमाइनी छुपकर उनकी बातें सुनने जाती है। पता चलता है कि वो इस जंगल से हमेशा के लिए जा रहे हैं और ये सुनकर सभी रैबिट्स बहुत खुश होते हैं। उधर मैक्स अभी भी खुद को इनविजिबल नहीं कर पाता और बिना इसके वो ईस्टर रैबिट नहीं बन पाएगा और वो सोचता है कि इससे अच्छा तो वापस जाकर मैं उस गैंग को ज्वाइन कर लूं।
यही सोचकर वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर उसकी मुलाकात तैमी से होती है जो कीस को देखकर सब समझ गई थी। वो उसे बहुत समझाती है लेकिन मैक्स पर इसका कोई असर नहीं होता और वो एक बार फिर सिटी में वापस आ जाता है। एमी सबको उसके जाने की खबर देती है, जिस पर हरमाइनी कहती है कि शायद उसने अपना रास्ता चुन लिया है। एल्फी सबको अपने टेस्ट पर ध्यान देने को बोलता है और बताता है कि जल्द ही रैबिट एकेडमी से एग्जामिनर आने वाला है। उधर मैक्स अपने दोस्तों से मिलता है जो बताते हैं कि कल तुम्हारे गैंग का ऑडिशन है और पास होने के लिए तुम्हें ईस्टर एग्स चुराने होंगे। तभी मैक्स देखता है कि उसके दोस्तों के पास एक अजीब सी हैट है जिसे उसने उन फॉक्सेस को पहने हुए देखा था, और उसके दोस्त बताते हैं कि ये तो हमने आज ही एक फॉक्स फैमिली से ट्रेड की है और बदले में वो हमारा रैबिट सूट लेकर जंगल की ओर गए हैं। मैक्स समझ जाता है कि रैबिट स्कूल खतरे में है और तुरंत उन्हें बचाने निकल पड़ता है। रास्ते में उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और जाकर वो देखता है कि फॉक्सिस ने एक रैबिट को बंदी बनाया हुआ है जो असल में वो एग्जामिनर ही है, और वो किसी तरह उसे फ्री करा लेता है। वही फॉक्स रूप बदलकर स्कूल में आता है और कहता है कि इस पर एकेडमी ने मुझे एग्जामिनर बनाया है। एल्फी को उस पर कोई शक नहीं होता और मौका देकर फॉक्स दरवाजे को खुला छोड़ देता है। आगे हम उसे रैबिट्स का टेस्ट लेते हुए देखते हैं और वहीं उसके साथ ही छुपकर उस गोल्डन एग को ढूंढ रहे थे जो जल्द ही उन्हें मिल जाता है। तभी मैक्स और वो असली एग्जामिनर वहां आते हैं और बताते हैं कि फॉक्सिस भेस बदल कर स्कूल में घुस आए हैं और तुम्हें उनसे सावधान रहना होगा। फॉक्सिस ने भी ये सुन लिया था और वो एग को लेकर गेट की ओर जाते हैं, लेकिन हरमाइनी पहले ही जाकर उसे लॉक कर देती है। ये देखकर फॉक्सिस को बहुत गुस्सा आता है और वो डिसाइड करते हैं कि अब इनमें से कोई जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन उन्हें शायद रैबिट्स की ट्रेनिंग का कोई आइडिया नहीं था, जिसका फायदा उठाकर वो फॉक्सिस को बहुत तंग करते हैं और साथ ही उन्हें एक अच्छा सबक सिखाते हैं। इसी बीच एल्फी उस गोल्डन एग तक पहुंच गया था, लेकिन वो फॉक्सिस उसे देख लेते हैं और एक छोटे से रैबिट को बंदी बना लेते हैं। हरमाइनी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था और वो एल्फी से एग फॉक्सिस को देने को बोलती है, लेकिन जैसे ही वो गेट से बाहर जाने लगते हैं, मैक्स वहाँ लगी फैंस को गिरा देता है और इसे गोल्डन एग उछल कर सीधा रॉक एग की ओर जाने लगा था। मैक्स ये देखकर एक बार फिर कोशिश करता है और इस बार वो इनविजिबल होने में कामयाब हो गया था और एंड टाइम पर पहुंचकर गोल्डन एग को पकड़ लेता है। सभी रैबिट्स ये देखकर बहुत खुश होते हैं और पता चलता है कि फॉक्सेस ने भी फाइनली हार मान ली है। फिर वो गोल्डन एग को वापस बंकर में रखते हैं, जहाँ एग्जामिनर बताता है कि वो पूरा टाइम उन्हें मॉनिटर कर रहा था और मैक्स और एमी के अलावा और भी स्टूडेंट्स इसमें पास हो गए हैं। एंड सीन में हम मैक्स और एमी को सिटी में देखते हैं जहाँ वो ईस्टर एग्स को छुपाने जा रहे हैं, और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।